हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट टेंशन या लोड ऑन सीलिंग आज के ट्रेनिंग सेशन में हम सीलिंग से किसी लोड को उठाने के दौरान उस सीलिंग पे कितना लोड पड़ता है या कितना टेंशन क्रिएट होता है को कैलकुलेट कैसे करें के विषय में कुछ अलग अलग थ्योरी के विषय में डिस्कस करेंगे लोड को लिफ्ट करते समय सीलिंग पे पड़ने वाले लोड या टेंशन को कैलकुलेट करने का थ्योरी होता है टू साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू जहाँ टी इक्वल टू टेंसन या टेंसाइल स्ट्रेस टू इक्वल टू नंबर ऑफ सीलिंग लेग्स डब्लू इक्वल टू वेट ऑफ द लोड साइन थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ सीलिंग अब हम इस थ्योरी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे सपोज यदि हमें टेन टन का मटेरियल सीलिंग के द्वारा उठाना है जिसका एंगल 60 डिग्री है तथा तो क्रेन के हुक के पास भी 60 डिग्री का एंगल बनता है तो 2t टी साइन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू टेन चूँकि साइन सिक्सटी डिग्री का मान रूट थ्री बाई टू होता है इसलिए टू टी इंटू रूट थ्री बाई टू इक्वल टू टेन टी इक्वल टू टेन बाई वन पॉइंट सेवन थ्री टू या लोड ऑन सीलिंग इक्वल टू फाइव पॉइंट सेवन टन अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे यदि हमें टेन टन का मटेरियल सीलिंग के द्वारा उठाना है जिसका एंगल फोर्टी डिग्री है तथा क्रेन के हुक के पास नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता है टू टी साइन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू टेन चूँकि साइन फोर्टी फाइव डिग्री का मान वन बाई रूट टू होता है इसलिए टू टी इंटू वन बाई रूट टू इक्वल टू टेन टी इक्वल टू टेन बाई वन पॉइंट फोर वन फोर या लोड ऑन इक्वल टू सेवन पॉइंट जीरो टन यदि हमें टेन टन का मटेरियल सीलिंग के द्वारा उठाना है जिसका एंगल थर्टी डिग्री है तथा क्रेन के हुक के पास 120 डिग्री का एंगल बनता है तो 2t टी साइन थर्टी इक्वल टू टेन चूँकि साइन थर्टी डिग्री का मान 1 बाई टू होता है इसलिए 2t टी इन टू वन बाई टू इक्वल टू टेन टेंशन या लोड ऑन सीलिंग इक्वल टू टेन टन यदि हमें टेन टन का मटेरियल सीलिंग के द्वारा उठाना है जिसका एंगल 90 डिग्री है तो 2t टी साइन नाइन्टी डिग्री इक्वल टू टेन टू टी इंटू वन इक्वल टू टेन टी इक्वल टू टेन बाई टू टेंशन या लोड ऑन सेलिंग इक्वल टू फाइव टन अब हम सेलिंग के द्वारा मटेरियल उठाने के समय सेलिंग के ऊपर पड़ने वाले लोड या टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरे थ्योरी के विषय में डिस्कस करेंगे वो थ्योरी होता है टी इक्वल टू डब्लू इंटू एल बाई एच इंटू एन जहाँ टी इक्वल टू टेंसन या टेंसाइल स्ट्रेस डब्ल्यू इक्वल टू वेव ऑफ द लोड एल इक्वल टू लेंथ ऑफ सीलिंग एन इक्वल टू नंबर ऑफ सीलिंग लेग्स एच इक्वल टू हाइट अब हम इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे यदि डब्ल्यू इक्वल टू टेन टर्न एल इक्वल टू सिक्स मीटर एन इक्वल टू टू एच इक्वल टू फाइव मीटर तो टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल बाई एच इंटू एन इक्वल टू टेन इंटू सिक्स बाई फाइव इंटू टू इक्वल टू सिक्सटी बाई टेन इक्वल टू सिक्स टन यानी कि एक सीलिंग पे सिक्स टन का वेट आया उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन को दबाएं कमेंट करें यदि सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे प्लीज़ वीडियो को शेयर करना न भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग एंड योर सपोर्ट